14 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप, और मैं समझता हूँ कि जो एक दुस्साहस इस सरकार ने किया है इनको भुगतना पड़ेगा। घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और जो मर्यादाएं हैं वो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो जहर की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, लोगों को विभाजित करके अपनी रोटियां सेकने की राजनीति है, उसका अब सफाया करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को एक एक जगह मरवाया, कभी पंचकुला के अंदर मरवाया तेरा प्रकरण में, कभी हम देखते हैं रोहतक झज्जर बुरा कलानों और उसको जलाया गया, कभी हिसार के अंदर बड़ी घटनाएं घटी। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उनके शीर्ष नेता उन घोटालों के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाए, तो सारे साथी उठे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश और प्रदेश को जलाने और बांटने वालों के खिलाफ एक बड़ा जनादेश देकर के सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा की 10 की 10 हम सीटें कांग्रेस पार्टी को जिताएं। पब्लिक पूरा एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और ख़ासतौर से सिरसा सीट पर जो हम लोगों ने जब 2009 से 14 तक हमारी सरकार थी, 45,000 करोड़ रुपए के हम प्रोजेक्ट इस इलाके में लेकर के आए, बड़े बड़े हाईवे, रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट वो कुछ करवाए, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही ड्रॉप कर दिए। न्यूक्लियर प्लांट जो इस इलाके में आने वाले समय में पूरा बिजली की किल्लत को दूर करेगा पूरे हरियाणा में, 2800 मेगावाट का 23,502 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वो प्लांट। इसके साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम स्कूल, आरओई मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नए नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी को 12वीं का स्टेटस दिलवाना, और दूसरी तरफ केंद्र में मोदी सरकार जो आज बैठी है, कट्टर सरकार प्रदेश में है, उसने पूरी तरीके से इस इलाके की अनदेखी की। एक तरफ हमने 3-3 नए हाईवे निकलवाए, नेशनल हाईवे, और उनकी तरफ से एक भी हाईवे नहीं, तो इन चीज़ों को जनता समझती है। घोषणा पत्र में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी 45,000 आने वाले समय में हर व्यक्ति को 72,000 रुपये सालाना देने का काम करेगी। जो लोग गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ हमारी आबादी है मुल्क की, उनको गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने का काम करेगी। साथ साथ किसानों का अलग बजट होगा, किसानों और गरीबों के कर्जे माफ़ होंगे। हमारे तो बहुत पहले हो लिए टिकट, 3-4 जो टिकटें हैं वो तो हर एक का, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 अलग से की, JJP ने तो अभी भी नहीं किया है, आम आदमी ने नहीं किया, तो ये तो टिकट वितरण का अपना टाइमिंग होता है हर संगठन का। देखिए, पहली बात तो कोई 50,000 नौकरी नहीं दी गई, मोदी जी ने तो ये कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, खट्टर साहब ने कहा था कि मैं 5 लाख हर साल दूंगा, तो खट्टर साहब के बनते हैं 25 लाख और मोदी साहब के बनते हैं 10 करोड़, लेकिन दिए उन्होंने कहाँ, ऊपर से रोज़गार छीनने का काम किया, 4.5 करोड़ लोगों के रोज़गार उन्होंने, और ऊपर से 14.5 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप, और मैं समझता हूँ कि जो एक दुस्साहस इस सरकार ने किया है इनको भुगतना पड़ेगा। राजनीति में तो बयानबाजी करते ही हैं, मगर घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और जो मर्यादाएं हैं वो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाकी कोई करेगा तो इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। उसके जो आरोप थे वो तो बेबुनियाद थे, कुछ 5 साल में इनसे निकल करके ही नहीं आया। भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने नोटबंदी में 8 से 10 लाख करोड़ रुपए कमाने का काम किया। रेता बजरी पत्थर में हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 3 लाख करोड़ का वो घोटाला हुआ। रफेल हमारे सबके सामने है, उसमें रक्षा सौदों में दलाली खा गए, जगह जगह आज 10 गुना, लोग कहते हैं कि 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। भूमाफिया हरियाणा के अंदर सक्रिय है, NPA जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, मोदी जी के मित्र थे, उनको विदेशों में भगा दिया, उनके कर्जे माफ़ किए, ये भ्रष्टाचार है। 3 लाख करोड़ रुपए के नकली नोट इन्होंने नोटबंदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छपवाए। मैं समझता हूँ कि देश इस बात को अच्छी तरीके, और ये कुछ चंद उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उनके शीर्ष नेता उन घोटालों के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाए। सांसद ने कोई काम किया हो बेचारे ने तो संतुष्ट हो, यहाँ मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इनेलो दोषी है उसी
तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की दोषी है। यहाँ सांसद उनके थे लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश में थी। वो कहते हैं हमने निष्पक्ष किया, यहाँ तो गांव के लोगों को कुछ कुछ लाख वो भी इन्होंने नहीं दिए करोड़ों की, तो बात छोड़ दीजिए। और हरियाणा के वोटरों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिन्होंने बार बार हरियाणा को जलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को एक एक जगह मरवाया, कभी पंचकुला के अंदर मरवाया मेरा प्रकरण में, कभी हम देखते हैं रोहतक झज्जर बुरा कलानों और उसको जलाया गया, कभी हिसार के अंदर बड़ी घटनाएं घटी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोची समझी रणनीति और राजनीति है, जो जहर की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, लोगों को विभाजित करके अपनी रोटियां सेकने की राजनीति है, उसका अब सफाया करने का समय है। तो सारे साथी उठे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश और प्रदेश को जलाने और बांटने वालों के खिलाफ एक बड़ा जनादेश दे करके सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा की 10 की 10 हम सीटें कांग्रेस पार्टी को जिताएं, यही मेरी अपील और सबसे अनुरोध है। और जनता के समर्थन आशीर्वाद से इस लक्ष्य की प्राप्ति कांग्रेस करेगी।